नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा लोकसभा चुनाव में 95 कमजोर सीटों पर स्पेशल टीम एक एक वोटर तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज का ऐलान, बोले अब भारतीय डिग्रियों को ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी मान्यता। राहुल के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई नाराजगी, बोले विदेश में झूठ का प्रचार किया गया, यह देश का अपमान। तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता का दिल्ली में धरना, महिला आरक्षण बिल की मांग, शराब नीति केस में कल होनी है ईडी की पूछताछ। डीए बढ़ाने को लेकर बंगाल के कर्मचारियों को ममता सरकार ने दी चेतावनी, कहा कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, गैर मौजूदगी को ब्रेक माना जाएगा। नेताओं के पाला बदलने पर बोली एआईए डीएमके, हमारे बीच कोई टकराव नहीं, बीजेपी के साथ जारी रहेगा गठबंधन। उपराष्ट्रपति पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश बोले सभापति अंपायर चीयर लीडर नहीं हो सकते, लगाए कई गंभीर आरोप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, 4 बार के एमएलसी ने पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की। स्वप्ना सुरेश ने किया बड़ा खुलासा, सीएम बिनराई विजयन के खिलाफ सबूत देने और राज्य छोड़ने के बदले 30 करोड़ रुपए देने को कहा था। गुलाब राव पाटिल के बयान पर अजित पवार का पलटवार, बोले विधानसभा में एक उत्तर पूर्व की राजनीति पर चर्चा क्या जरूरत है। स्टालिन और जेडीयू ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी नेताओं ने फैलाई उत्तर भारतीयों पर हमले की अफवाह। बीआरएस नेता कविता के बचाव में आए केटीआर, पूछा क्या भाजपा में सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई। महाराष्ट्र के बजट पर आदित्य ठाकरे का तंज, बोले जो लोग आज अविश्वास दे रहे हैं वो गद्दार हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई कोर्ट ने 4 देशों को अनुरोध पत्र जारी करने का आदेश दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया वार, बोले कांग्रेस को वोट देने का मतलब भ्रष्टाचार को वोट देना। सीएम योगी ने की भदोही की सराहना, बोले महिला संबंधित अपराध के विवरण में पूरे प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर कसा तंज, बोले अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण का अवार्ड देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उमेश पाल के परिजनों से की मुलाकात, बोले परिवार को मिलेगा न्याय। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी साबिर के भाई की मिली लाश, बहन के घर छिपकर रह रहा था, जाकिर हाथ पैर में मिले चोट के निशान।
रंगनाथ भगवान का रथ मेला आज से वृंदावन में, 10 दिन भगवान सोने चांदी के वाहनों पर विराजमान होंगे। मथुरा में दो पक्षों के मारपीट में एक की मौत, जमीन कब्जे को लेकर चल रहा था विवाद, प्रधान प्रतिनिधि ने की थी शिकायत। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत, दो गंभीर घायल, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। गाजियाबाद में 3 अग्निकांड, झगड़े में सिलेंडर से लगाई आग, 10 झुलसे, कूड़े की चिंगारी से झुग्गियां जली। रायबरेली में किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, खेत पर काम करने गए थे नाना नानी, घर पर अकेली थी लड़की। अलीगढ़ में मां बेटियों की घर में मिली थी लाश, मोहल्ले वाले बोले 250 रुपए कमाकर कैसे लाती 16,000 की दवाएं। कानपुर में वकीलों का कार बहिष्कार जारी, हड़ताल के बाद भी कार्य करने वाले 18 वकीलों को नोटिस, जिला जज पर FIR की मांग। औरैया में पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या, शव टॉयलेट में फेंक कर हुआ फरार, शरीर पर मिले चोट के कई निशान। सीतापुर में ट्रक ने मासूम को कुचला, मौके पर मौत, दूसरा घायल, साइकिल से दूध देकर लौटते समय हुआ हादसा। मैनपुरी में बहन का हत्या, आरोपी भाई गिरफ्तार, मां बाप के साथ मिलकर की थी हत्या, 20 जनवरी को शव को किया था घर में दफन। उन्नाव में दो पक्षों में मारपीट, कई लोग घायल, पीड़ित बोला पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, बच्चों के कमेंट करने पर हुआ था विवाद। मेरठ में चाइनीज मांझे से कटा बाइक सवार का गला, डॉक्टरों ने लगाए 22 टाके, प्रतिबंध के बावजूद हो रही मांझे की बिक्री। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत, हरदोई में वाहन के बहन के घर होली मिलने जा रहे थे चचेरे भाई की हालत गंभीर। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बरेली में फिर दिया बयान, बोले होली खेलना इस्लाम में हराम। फतेहपुर में अस्पताल कर्मी को 3 युवकों ने जमकर पीटा, सिर में गंभीर चोटें, आई अस्पताल में भर्ती। चंदौली DDU रेल मंडल के नए DRM बने राजेश गुप्ता, बोले रेल यात्रियों की सुविधाओं का रखेंगे विशेष ख्याल। फतेहपुर में जमीनी रंजिश में भिड़े दो पक्ष, लाठी डंडे और धारदार हथियार चले कई राउंड फायरिंग, 12 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में किसान की गोली मारकर हत्या, होली पर दो पक्षों में हुई थी मारपीट और फायरिंग, किसान ने बना लिया था वीडियो। मैनपुरी में कार खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे, कई घायल, सैफई किया गया रेफर। प्रयागराज में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव, खेत की सिंचाई करने घर से निकला था। अलीगढ़ में दो बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, भिड़ंत में एक की मौत, दो की हालत गंभीर।
औरैया में ऑटो सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गाजीपुर में सांसद दिनेश लाल यादव, मैनेजर हरिकेश यादव पर लगा मारपीट का आरोप, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरदोई में मासूम से रेप करने वाला मुठभेड़ में घायल, मेडिकल को ले जाते समय बीच रास्ते में भागा, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। रायबरेली में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने विधायक आदित्य सिंह पर लगाया गंभीर आरोप, वर्तमान विधायक पर लगा रुपया हड़पने का आरोप। महाराजगंज में अनियंत्रित कार ने बुजुर्गों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, पैदल जा रहे थे दोनों। उत्तराखंड में अंतिम दिनों में बजट ठिकाने लगाने पर सरकार सख्त, कुंडली मार कर बैठे तो नपेंगे अधिकारी। उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों के अवकाश पर रोक, मुख्य सचिव ने दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में रेल परियोजना की सुरंग में डंपर ने मिक्सर चालक को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम किया। उत्तराखंड में अगले महीने से बिजली संकट के आसार, आज सीएम धामी करेंगे दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात। उत्तराखंड में होली में डीजे पर डांस के दौरान लड़ाई ने लिया खूनी रूप, युवकों ने लाठी डंडे से पीटकर एक को उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड में 1250 करोड़ की ठगी का आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, एसटीएफ ने लुकआउट सर्कुलर के जरिए पकड़ा। उत्तराखंड में पर्वतारोहियों और पर्यटकों का इंतजार होगा खत्म, 1 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। उत्तराखंड में महिला ने छत से कूद कर दी जान, हाथ पर पेन से लिखा मिला मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए बजट में 2500 करोड़ के प्रावधान की मांग, सीएम को लिखा पत्र। हरिद्वार में सरेआम दो गुटों में तलवारें चलने से दहशत, एक युवक लहूलुहान, बीच बचाव में आए युवकों को भी नहीं बख्शा। उत्तराखंड जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में जोशी गोनाथ पंचायत बनी ओडीएफ प्लस, हर घर तक पहुंचा स्वच्छ जल। उत्तरकाशी में प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी, कार्रवाई की भनक लगते ही हरियाणा से आ रही बारात लौटी। उत्तराखंड में होली पर कहीं हुड़दंगियों का बवाल तो नशेड़ियों ने मचाया तांडव, 700 से ज्यादा पहुंचे अस्पताल। उत्तराखंड में 20 साल से सेवा दे रहे सरकारी शिक्षकों की नौकरी पक्की नहीं, आयोग पहुंचा मामला तो खुली विभाग की पोल। उत्तराखंड के रुड़की में होली पर दोस्तों के साथ नहाने गए दो युवक, गंग नहर में डूबे, नहीं लगा कोई सुराग। जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, मुट्ठी बंद कर देश को ताकतवर और महान बनाने की शपथ ली, करीबी किंगयांग को बनाएंगे पीएम।
इमरान खान पर हत्या आतंकवाद का केस, रैली के दौरान पीटीआई कार्यकर्ता की मौत के बाद एक्शन, 100 पार्टी वर्कर्स गिरफ्तार। नाइजीरिया के लागोस में ट्रेन से टकराई यात्री बस, हादसे में 7 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। नीदरलैंड में मिला 1000 साल पुराना खजाना, गोल्ड ज्वेलरी समेत चांदी के सिक्के भी शामिल। उत्तर कोरिया ने फिर अमेरिका को ललकारा, यूएस दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से पहले दागी मिसाइल। जर्मनी के चर्च में फायरिंग, 7 की मौत, कई घायल, 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई, हमलावर के मारे जाने की आशंका। चिली एयरपोर्ट से 266 करोड़ चुराने की कोशिश नाकाम, 12 डकैतों ने कार्गो कंपनी के शिपमेंट पर हमला किया, गार्ड समेत 2 की मौत। अफगानिस्तान में गवर्नर पर हमला, बाख प्रांत के ऑफिस में सुसाइड ब्लास्ट, मौके पर ही मारे गए दाऊद। इकोनॉमी पर बढ़ रहे दबाव से जूझ रहा अमेरिका, बाइडेन सुपर रिच पे 25% टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स भी दुगना करने की तैयारी में। ईयू चीफ से मिलेंगे बाइडेन, अमेरिका पहुंची उर्सुला वॉन डेर लिन, क्लीन टेक्नोलॉजी और यूक्रेन पर अहम बातचीत होगी। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट, फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 5% से ज्यादा टूटा। अठारह साल बाद आ रहा टाटा ग्रुप का आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजीज ने एसईबीआई के पास डीएचआरपी दायर किया। चौबीस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची फ्यूल डिमांड, पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 8.9% बढ़ी, डीजल की खपत में 7.5% का इजाफा। होंडा का पाकिस्तान स्थित प्लांट 31 मार्च तक बंद, आर्थिक संकट के चलते ऑटो कंपनी ने शट डाउन करने का फैसला लिया। इंडिया पर अब ज्यादा फोकस करेगा एप्पल, भारत में बिजनेस बढ़ाने पर जोर दे रही कंपनी। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर एनएसई का एक्शन, पावर विल्मर के साथ इंटरप्राइजेस को फिर एएसएम में रखा। मोटोरोला का 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, मोटो G73 में मिलेगा देश का सबसे तेज प्रोसेसर। सीतारमण जयशंकर से मिली अमेरिकी मंत्री जीना रायमोंडो, सेमीकंडक्टर को लेकर भारत अमेरिका करेंगे समझौता। एनजीटी ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में की कार्रवाई, एनएचएआई को मुआवजे में देने होंगे 2 करोड़ रुपए। फेड प्रमुख पॉवेल के संकेतों से कमजोर हुआ क्रिप्टो बाजार, बिटकॉइन इथेरियम में सोलाना टूटे। दक्षिण अफ्रीका को 73 रन की बढ़त, वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 251 रन बनाए, दूसरी पारी में 4-0 का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेंट कार्मिस की मां मारिया का निधन, काली पट्टी बांध कर उतरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी।
भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज बनने के करीब हैं। नाथन लायन तोड़ेंगे 40 साल पुराना रिकॉर्ड। केएल राहुल को लेकर गौतम गंभीर का बयान, बोले जब आप किसी और को खेलता देखते हैं तो आप पानी पिला रहे होते हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों के परफॉर्मेंस से नाराज दिखे सुनील गावस्कर, बोले नई गेंद का नहीं उठा सके गेंदबाज फायदा। WPL में लगातार तीसरा मैच जीती मुंबई इंडियंस, दिल्ली को 8 विकेट से हराया, साइका इशाक रही प्लेयर ऑफ द मैच। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को बांग्लादेश ने T20 हराया, 157 का टारगेट 18 ओवर में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच शांतो की 50। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट शतक पर उस्मान ख्वाजा ने दी प्रतिक्रिया, बोले एक मानसिक लड़ाई थी। सेल्फी विवाद पर पृथ्वी शॉ ने तोड़ी चुप्पी, बोले जब उनका फायदा खत्म हो जाता है तभी उनका भरोसा भी खत्म हो जाता है। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हुई 135 मौत के मामले में आया पहला फैसला, कोर्ट ने दो अधिकारियों को सुनाई सजा। सतीश कौशिक का वर्कआउट वीडियो वायरल, फिटनेस के लिए जिम में जमकर पसीना बहाते थे फैंस, बोले बहुत याद आओगे पप्पू पेजर। भाभी जी घर पर है फेम शुभांगी की टूटी शादी, 19 साल बाद पति से अलग हुई, बोली हम एक साल से साथ नहीं रह रहे थे। रेवाड़ी पहुंचे बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, 10 दिन पहले हुई थी दोस्त के पिता की मौत, करीब आधे घंटे की परिवार से मुलाकात। सतीश कौशिक की मौत से सदमे में है नीना गुप्ता, वीडियो शेयर कर बोली बहुत बुरी खबर के साथ आज सुबह उठी हूं। सतीश कौशिक को याद कर जावेद अख्तर का छलका, दर्द बोले महफिलों को जगाता था जो, दोस्तों को हंसाता था जो। सतीश कौशिक के निधन पर भावुक हुए रूमी जाफरी, बोले हम सब परिवार की तरह थे। ऑस्कर 2023 के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण, ब्लू डेनिम ब्लैक ब्लेजर में दिखा क्लासी लुक। आलिया को घर के अंदर शूट करने के मामले में लीगल एक्शन लेंगे रणबीर, बोले ये निजता का उल्लंघन। रणबीर और आलिया फोटो लीक विवाद में लगे लीगल एक्शन, एक्टर बोले तुम मेरे घर में नहीं घुस सकते। सतीश कौशिक के निधन पर भावुक हुए स्कैम एक्टर प्रतीक गांधी, बोले कायनात को कुछ और ही मंजूर था। अभी के लिए प्राइम शतक में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।